एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आया है, वो डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। बट साथ ही साथ एक एसएससी एमटीएस रिजल्ट को लेकर एक कॉल रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, कॉल रिकॉर्ड करी गई है, वो भी वायरल हो रही है। वो फेक है, सही है, वो जब जो भी है वो भी डिस्कस कर लेंगे वीडियो को एंड तक देखने। सबसे पहले ये जो अपडेट सामने आपको देखने को मिल रहा है, एक्चुअली में जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, हेल्प डेस्क फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी गई है, ये है जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो फॉर्म फिल करने के लिए स्टार्टिंग में, उसको लेकर कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, या ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो, किसी फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो, आंसर की कोई चैलेंज करना है, या कोई भी मार्क्स को लेकर कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए ये टोल फ्री नंबर आपको दिया गया। और ये फैसिलिटी जो आपको है मंडे से फ्राइडे तक अवेलेबल रहेगी। 9:30 से लेकर 6 PM तक का टाइम आपके पास रहने वाला है। इस ड्यूरेशन पे आप कॉल कर सकते हो अगर इनमें से किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है, एसएससी में इस तरह की प्रॉब्लम स्टूडेंट जनरली फेस कर ही रहे थे, और जैसे भी कोई फॉर्म की लास्ट डेट होती थी या वैसे भी प्रॉब्लम आती रहती, तो एक अच्छा स्टेप एसएससी के एंड से लिया गया है, तो इसके लिए अप्रिशिएट करना होगा। लेकिन दूसरे एंड पर बात करेंगे, एसएससी एमटीएस के रिजल्ट की बात करेंगे, वो रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, और एसएससी एमटीएस का नए एग्ज़ाम 1 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब जो कॉल रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है, उसमें बेसिकली ये कहा गया है कि देखो, सबसे पहले बात तो अगर आप ध्यान दोगे, बड़े डिटेल में बात करी गई है ना, मतलब वो जो स्टूडेंट जो कांटेक्ट कर रहा था यहाँ से, वो एक तरीके से एंड में वो बात ख़त्म कर रहा था, लेकिन वहाँ से जो एसएससी की तरफ से जो ऐसा कहा जा रहा है, वो जो मैडम है वो जो बात कर रही थी, वो बात एंड ख़त्म भी नहीं कर रहे थे, वो आगे समझा रहे थे समझा रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि एसएससी में मतलब उनके पास इतना टाइम है कि वो इतने डिटेल में बात करेंगे जिस हिसाब से वो बात वहाँ पर करी जा रही थी? और दूसरे एंड पे यहाँ पे देखा गया, वहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग में क्या कहा गया जिसने नहीं सुनी है, पहले कहा गया कि एसएससी एमटीएस का जो रिज़ल्ट है वो आप 7 से 8 दिनों में वेबसाइट में चेक करते रहना, वहाँ पर आ जाएगा। फिर कहा गया कि 7 से 8 दिन बाद चेक करते रहना, पूरे चांसेस यही हैं कि नेक्स्ट मंथ इसी महीने में, यानी कि सेप्टेम्बर के महीने में या नेक्स्ट मंथ में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो पहले कहा गया 7 से 8 दिन में चेक कर लेना, फिर कहा गया इस महीने या फिर अगले महीने भी आ सकता है, मतलब अक्टूबर तक का वेट करना पड़ेगा। और वो तो ऑब्वियस ही बात है कि अक्टूबर तक तो रिज़ल्ट आना ही आना, इतना भी डिले नहीं होने वाला है, क्योंकि सेप्टेम्बर में तो दूसरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। मेन प्रॉब्लम ये थी, मेन ये सभी बच्चे ये चाहते थे कि एमटीएस का एग्ज़ाम होने से पहले पहले रिज़ल्ट आना चाहिए। तो जहाँ तक वो कॉल की बात करेंगे, उसको मैं अपने एंड से नहीं मानता कि वो रियल करी गई है, वो रियल कॉल वगैरह है वो, क्योंकि जिस हिसाब से बात करी गई है वो पूरी तरीके से कन्फ्यूजन में बात करी गई। अगर आप ध्यान से समझोगे इस बात को, रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनोगे, तो पहले कहा गया कि 6 से 7 दिनों में चेक करो, फिर कहा एक इस महीने भी हो सकता है, फिर नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, और ये बात रिपीट करी गई है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर लग नहीं रहा कि कोई जेन्युइन वगैरह है, वहाँ पर सब कुछ किया जा रहा है, बातचीत वगैरह वहाँ पर करी जा रही है। बाकी आप कहना चाहोगे उस रिकॉर्डिंग के बारे में, अगर आपने सुनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट था। बाकी रिजल्ट अब जैसे कि मैं आपको पहले भी कह रहा था कि 20 अगस्त तक रिजल्ट आ सकता है, फिर एक वीडियो बना के आपको बताया था कि रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि एसएससी जीडी का रिजल्ट डिक्लेयर करना है, रोजगार मेला आने वाला है, तो उसके लिए जीडी का रिजल्ट आना जरूरी है, पहले जीडी पे काम चल रहा है, तो वो जीडी वाले रिजल्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया। जब रिज़ल्ट आया था तो आपको क्लियर भी हो गया था, हाँ एसएससी एमटीएस का रिजल्ट जीडी की वजह से रुका हुआ था, लेकिन अब जीडी का रिजल्ट तो आ चुका है, अब बची है एमटीएस के बारे, तो बीसी पर काम चल रहा है, तो उम्मीद कर सकते हो रिजल्ट आ सकता है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो कॉल रिकॉर्डिंग की जहाँ तक बात करूँगा, वो मैं ये नहीं कहूँगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रिजल्ट एक हफ्ते में नहीं आ सकता, रिजल्ट के चांसेस हैं पूरे पूरे एक हफ्ते में आने के, सितंबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है, लेकिन मैं कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं लग रहा है वो एसएससी के ऑफिशियल के एंड से बात करी गई है। तो बाकी आप अपने हिसाब से बताना कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है वो कॉल रिकॉर्डिंग सही है या गलत है। थैंक यू, जय हिंद।